नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्पिता। रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के अग्रिम संगठन पूरी तरीके से तैयारी में जुट गए हैं। वहीं यूथ कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए अखिल भारतीय युवा कांग्रेस एक फॉर्मूले पर काम कर रही है। देखिए एक रिपोर्ट। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से बनाए गए फॉर्मूले को मिशन 272 नाम दिया गया है। वहीं मिशन 272 को सफल बनाने के लिए युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हाल ही में पार्टी के आला नेताओं के साथ बैठकें भी हुई, जिसमें युवाओं की लोकसभा में भागीदारी तय करने पर चर्चा की गई। वहीं पार्टी की जानकार सूत्रों की माने तो मिशन 272 को सफल बनाने के लिए युवा कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि देश भर में जिन पार्टियों पर पार्टी की जीतने की संभावनाएं हैं, उन सीटों का खाका तैयार किया गया है और यहां चुनाव कैंपेन की कमान पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के हाथ में रहने की बात कही जा रही है। दरअसल मिशन 272 के तहत जिन लोकसभा सीटों के जिताने की जिम्मेदारी युवा कांग्रेस ने अपने कंधों पर ली है, उन सीटों पर जिन युवा कार्यकर्ताओं को भेजा जाएगा वे कार्यकर्ता इंटरव्यू के जरिए चुने जा रहे हैं। युवा कांग्रेस की ओर से इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया गया है, जिसके तहत इन सीटों पर काम करने के इच्छुक कार्यकर्ताओं से पहले ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाते हैं और उसके बाद आवेदन करने वाले कार्यकर्ताओं का टेलीफोनिक साक्षात्कार होता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू पास करने के बाद कार्यकर्ताओं को दिल्ली बुलाया जाता है, जहां युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य युवा वर्करों का इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान कार्यकर्ताओं से पार्टी की रीति नीति कल्चर और युवाओं के बीच किस प्रकार प्रचार करेंगे, यह सवाल पूछे जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के इंटरव्यू दिल्ली में 15 मार्च तक चलेंगे। इसके बाद चुने हुए कार्यकर्ताओं को मिशन 272 के तहत चुने गए अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जहां युवा कांग्रेस के चुने हुए कार्यकर्ता पार्टी के पक्ष में कैंपेन करेंगे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है कि केंद्र में यूपीए की सरकार बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस की 3 राज्यों में विजय हुई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद में वो इतने बौखला गए हैं कि चले पहले जुमले बोले थे चुनाव में वादों के, इस बार नए नए जुमले बोले जा रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ये भी जुमला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि जो तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है राष्ट्रव्यापी दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव को लेके, उसमें कांग्रेस काफ़ी आगे निकल चुकी है। हमारे कैंडिडेट के सिलेक्शन भी शुरू हो गए हैं, हमारे कैंपेन जो क्या होना चाहिए वो शुरू हो गए हैं, राहुल गांधी जी के दौरे शुरू हो गए हैं। तो ये बोखलाहट में अगर जुमले बोलने लगे हैं तो कोई नई बात नहीं है, देश समझ चुका है जुमलों की राजनीति को। इस बार जुमलों की राजनीति उनके लिए काम नहीं आएगी, मैं कह सकता हूँ। बहरहाल यूथ कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव में यूथ कांग्रेस कितनी सफल हो पाती है। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से रहमतुल्ला खान की रिपोर्ट। जसपुर में FDRD में धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। मामले में खाता धारक ने FDRD के माध्यम से खाता धारकों को करोड़ रुपए का चूना लगाने वाली चिटफंड कंपनी के 2 संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें खाता धारक ने कंपनी पर उसके 25 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। जसपुर के गुलरगोजी गांव निवासी जितेंद्र चौधरी ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 2011 में अमृतसर निवासी रविंद्र सिद्धू ने जसपुर निवासी दीपक देशमुख के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स नाम से एक कंपनी खोली थी। इन योजनाओं में कंपनी के प्रबंधकों को खाता धारकों का करीब 6 करोड़ रुपया वापस करना था। इसको लेकर खाते धारकों को झांसा देते रहे और नवम्बर में कंपनी के प्रबंधक दफ्तर में ताला लगाकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने कंपनी के जगमोहन, गगनदीप, खजान सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे थाने में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। जितेंद्र चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत कराया, गुलरगोजी के रहने वाले हैं।
कुछ साल पहले यहाँ एक कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नाम के, वो यहाँ से लोगों से घूम घूम कर कुछ पैसे जमा करते थे और उनको ब्याज सहित कुछ FD वगैरह इस तरह की तैयार करते थे। वो कंपनी यहाँ से लोगों का काफ़ी पैसा लेकर भाग गई है, तो जो उसके अकाउंट होल्डर्स थे वो लोग यहाँ पर आए, उनके द्वारा शिकायत की गई, जिनकी शिकायत के आधार पर ये अभियोग पंजीकृत किया गया है। एक रविंदर सिंह सिद्धू और दूसरे दीपक देशमुख जो इसके डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ। बिल्कुल, जो लोग इससे संलिप्त हैं इसमें या इन्वॉल्व है इस तरह की धोखाधड़ी में, वो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो आएगा उसके खिलाफ। जयपुर में होने वाली 67वीं पुलिस कुश्ती प्रतियोगिताओं को लेकर जयपुर कमिश्नरेट के सभागार में एडिशनल कमिश्नर प्रसन्न कुमार खमीसरा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें पुलिस टीमों के RPA में रुकने और प्रतियोगिता का शेड्यूल प्लान तैयार किया गया। आपको बता दें कि कुश्ती प्रतियोगिता 27 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक होगी। वहीं इस दौरान मीटिंग में DCP समेत जिले के कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने और उसे मान्यता प्रदान करने की मांग को लेकर राजस्थानी भाषा संघर्ष समिति के सदस्यों ने गुरुवार को जिला पाटवी गणपत सिंह मगदेश के नेतृत्व में राष्ट्रपति केंद्र और राज्य सरकार के नाम SDM को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ये बताया गया कि सरकार के रवैये के कारण समिति और राजस्थानी भाषा प्रेमियों, साहित्यकारों और कृतियों आदि में भी गहरा रोष है। ज्ञापन देने से पहले संघर्ष समिति के सदस्यों ने SDM कार्यालय के बाहर करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन भी किया। इस दौरान सदस्यों ने 12 करोड़ राजस्थानी भाषाओं का मान रखो, राजस्थानी भाषा को मान्यता दो जैसे नारे भी लगाए। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के पास धामली ग्राम सेवा सहकारी मुख्यालय पर ऋण पर्यवेक्षक केवल चंद की अध्यक्षता में राज्य सरकार के आदेश अनुसार ऋण माफी शिविर का आयोजन रखा गया। इस शिविर में राज्य सरकार की ओर से किसानों के ऋण माफी के कुल 298 सदस्यों के 1,22,00,000 रुपए के किसानों ऋण माफी कर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर व्यवस्थापक धामली बलवंत सिंह ने ऋण माफी को किसान हितेशी प्रयास बताया। इस अवसर पर ऋण पर्यवेक्षक केवल चंद ने किसानों को अधिक से अधिक किसान फसल बीमा कराने का आह्वान भी किया है। ब्यावर के नगर परिषद में रोशनी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। नगर परिषद की सभापति श्रीमती कमला दग्दी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में समिति अध्यक्ष पार्षद मोहन सिंह रावत के साथ साथ समिति सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान शहर की रोशनी व्यवस्था के बारे में चर्चा भी की गई। इस दौरान शहर के ब्रह्मानंद चौराहा और हेड़ा हॉस्पिटल चौराहे पर हाई मास्क लाइट टावर लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया। बैठक में बिजली की खपत को देखते हुए सौर ऊर्जा के विकल्प पर भी चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने बिजली कर्मियों की कार्यशैली पर भी रोष जताया है। नगर परिषद में रोशनी समिति की मीटिंग बुलाई गई, उसमें जिन जिन पार्षदों ने जो सुझाव दिए थे उनकी सबकी बात सुनी गई। योजना शहर के अंदर नए सेट लगाए जाएंगे, ऊर्जा बड़ी लाइटें की जरूरत है, वहाँ बड़ी लाइटें लगाई जाएगी। मेन रोड के ऊपर 70 वाट के बल्ब लगाए जाएंगे और जहाँ जहाँ छोटी रोड है वहाँ 20 वाट के बल्ब लगाए। राजस्थान के अजमेर में बजरंगगढ़ इलाके में भीख मांगकर जीवन का गुजारा करने वाले देवकी शर्मा ने भीख के पैसों को जिस अच्छे उद्देश्य से इकट्ठा किया है वो बुधवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से सही जगह पहुंच गए। आपको बता दें कि देवकी शर्मा ने भीख मांगते हुए 6,61,000 रुपए सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से किसी अच्छे कार्य के लिए बैंक में जमा कराए थे। भरतपुर के गांव सुंदरावली में BJP की पूर्व विधायक दिया कुमारी ने शहीद जीतराम गुर्जर के घर पर पहुंचकर शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व विधायक ने शहीद के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस भी बंधाया और शहीद के पिता को 2,00,000 का चेक देकर आर्थिक सहायता की। इस दौरान पूर्व विधायक दिया कुमारी ने शहीद के परिजनों को उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। बहुत हिम्मत बांधी हुई है और
मैं तो अगर मेरी तरफ से तो जो भी हो सकेगा अभी भी आगे भी कुछ भी चाहे एजुकेशन हो बच्चों की या किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं इनके लिए हमेशा तैयार हूँ क्योंकि देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों की हम सहायता करें ताकि और लोगों को भी मतलब इंस्पिरेशन मिले कि ऐसे लोग भी हमारे देश में जो हमारे अपने एक ही उनके दो बेटे हैं वैसे लेकिन फिर भी अपना बेटा खोना या अपने पति को खोना या अपने फादर को खोना बहुत बड़ी बात होती है और ऐसी कुर्बानी दी है तो ये तो बहुत बहुत थोड़ा बहुत है जो मैं कर रही हूँ लेकिन अपनी तरफ से आगे कुछ भी होगा मैं। राज्य मंत्री अशोक चांदना और डिस्कॉम विभाग के अधिशासी अभियंता जेपी मीणा के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर बूंदी के नैनवा में मीणा समाज और कांग्रेस जनों ने उपकरण कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मंत्री चांदना को जबरन षड्यंत्र में फंसाने का आरोप लगाते हुए सीएम के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई के लिए सीएम से गुहार की गई है। आपको बता दें कि हाल ही में डिस्कॉम विभाग के अधिशासी अभियंता जेपी मीणा और राज्य मंत्री अशोक चांदना के बीच विवाद हुआ था जिसमें अधिशासी अभियंता ने मंत्री पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। वहीं राज्य मंत्री चांदना ने केवल फटकार लगाए जाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर डिस्कॉम विभाग के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार भी कर दिया। इस मामले को लेकर एक ईमानदार जो खेल राज्य मंत्री है उस पर जिस प्रकार से भाजपा और कुछ नेताओं के दबाव में जो भ्रष्ट अधिकारियों ने जिस तरीके की घिनौनी हरकत की है और ये भाजपा सरकार के अधिकारी हैं जो बैठ के और किसानों का खून चोसते हैं और इनको ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और मीणा समाज ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कतई छा नहीं देगा और मीणा समाज और कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माननीय मंत्री मोदी के साथ आज क्या 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 मांग कर रही है प्रशासन से? मांग से हमारी प्रशासन से मांगे कि बूंदी जिले के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको तुरंत प्रभाव से यहां से हटाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 फरवरी को प्रस्तावित जयपुर और टोंक यात्रा की व्यापक तैयारियों का लेकर बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में NIC वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग ने अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी लेते हुए आपसी समन्वय से सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक राजस्थान कपिल गर्ग, पुलिस महानिदेशक ML लाठर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा सहित तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पीसांगन ब्लॉक के ग्राम मेवाड़िया के उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत प्रसाविका इंदिरा खेतावत के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। प्रसाविका के भेदभावपूर्ण रवैये से आक्रोशित लोगों ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी से तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण करवाने की मांग की है जिसके बाद ग्रामीणों की शिकायत पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर घनश्याम गोयल ने कमेटी गठित कर जांच करवाए जाने के निर्देश दिए तब जाकर ग्रामीण शांत हुए हैं। जयपुर से दिल्ली की दूरी कम करने और यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए NH 8 को 4 लेन से 6 लेन में बदलने के लिए निर्माण शुरू कर दिए गए हैं लेकिन 10 साल बाद भी यात्रियों का सफर आसान नहीं हो पाया। इस कार्य के लिए PCAPL कंपनी को टेंडर भी जारी किए गए थे। इसके तहत कंपनी को गुड़गांव से लेकर जयपुर तक 6 लेन का कार्य 2012 में पूर्ण करना था लेकिन कभी भूमि आवत्ति तो कभी विभिन्न कारणों का हवाला देके 10 साल में भी कार्य पूर्ण नहीं कर पाई। वहीं 2009 से शाहपुरा के दिल्ली तिराहे पर फ्लाईओवर भी बनाया जाना था जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। बात करें शाहपुरा में NH 8 की तो मुख्य सड़क की यातायात के भारी दबाव के चलते गड्ढे हो चुके हैं। ऐसे में यहां से गुजरने वाले यात्रियों को गड्ढों में हिचकोले के साथ वाहन नुकसान की समस्या से दो चार होना पड़ता है। जयपुर में निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के सेमिनार हॉल में 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया है। इसका विषय फार्मास्यूटिकल केयर एंड फार्मासिस्ट इंटरवेंशन रहा। सेमिनार में उद्घाटन सत्र के बतौर मुख्य अतिथि निम्स विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर सुरेश कुमार गर्ग ने कहा कि सेमिनार और वर्कशॉप से टीचिंग मेथोडोलॉजी को नई दिशा मिलती है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स मेडिशियन के क्षेत्र में एक नई अलख है। सेमिनार में मुख्य वक्ता फार्माकॉन सोसाइटी फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर कार्तिक रकम ने बताया कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट केयर और उनके इलाज में अहम भूमिका निभाते हैं।
पेशेंट की डोज की प्रणाली क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही तय करते हैं। उन्होंने एक छात्रा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट इंटरवेंशन के जरिए पेशेंट केयर करता है। निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र पाल सिंह ने डॉक्टर कार्तिक रकम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सेमिनार डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद ज्ञापित किया डॉक्टर राजवीर सिंह ने। इस अवसर पर डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा, रंजीत कुमार संबादित्य और फॉर्म डी के सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। I am happy that the Department of Pharmacy has organized this workshop. And the advantage of this workshop is that it tries to bridge the gap between the curriculum and what is happening in the contemporary world. That's the basic purpose of such workshops or conferences. So this workshop is going to serve a very useful purpose for the students, stimulate them for their role, which is very important in society. उत्तर प्रदेश की जेलों में सजा काट रहे कैदियों में बढ़ रहे आत्महत्या के कारणों को लेकर जेल अधीक्षक ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कैदियों को नियमित योगा करवाने की बात कही है। साथ ही कहा कि जेल में बंद कैदियों से उनको समय समय पर परिजनों से मिलवाए, जिससे कि उनमें मानसिक तनाव ना बढ़े और कोई कैदी आत्महत्या करने का कदम नहीं उठाए। के जो कारण है उसमें जो ज़्यादातर कारण होता है कि वो अकेले पड़ जाते हैं जेल में आके, अगर उसमें उनको इस दिशा में कदम उठाया जाए कि उनके मानसिक रूप से वो स्ट्रांग हो सकें, जैसे थोड़े मानसिक सलाहकार उनको सलाह दें उचित टाइम पे, मतलब महीने में 15 दिन में अगर राउंड करते रहें कि मानसिक रोग शरीर तो वो देखें, और उनके परिवारजन उनको समझाएं कि जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है, लेकिन अब ये है आगे सुधरने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो कितने महत्वपूर्ण हैं, इसी से उनका मतलब जो सुसाइड है वो रोका जा। यूपी के कानपुर देहात में शहीदों के लिए लोगों ने सड़क पर उतरकर श्रद्धांजलि दी। जानकारी के मुताबिक बाराजोर टोल प्लाजा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। टोल के एजीएम मनोज शर्मा ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए टोल के हर बूथ पर शहीद श्याम बाबू के पोस्टर लगाकर श्रद्धांजलि दी। श्याम बाबू के साथ हुआ है वो बहुत ही बड़ी घटना है, पूरे कानपुर देहात में पूरे ऑल इंडिया के लिए बहुत शोक क्लियर है, बहुत स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। लोग चाहते हैं हर तरीके से जो है पाकिस्तान पे जो है कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसमें हम लोगों ने भी अपने जितने भी बूथ थे बूथ पे बैनर लगा के और अपने ऑफिस में उनकी मूर्ति रख के जो है पुष्पांजलि की व्यवस्था की थी, और पूरे दिन जो है काफी लोग यहाँ पे आए, श्रद्धा सुमन उन्होंने जो अर्पित किए, तो उसको देख के लगा कि लोगों में काफी आक्रोश है और वो बार बार यही उनकी मांग है कि सख्त से सख्त। शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र के गांव में एक शिक्षिका ने मासूम बच्चे की इस कदर पिटाई कर दी जिससे उसकी आंख की रोशनी चली गई। वहीं छात्र के परिजनों ने आरोप लगाया है कि शिक्षिका ने बच्चे को ऐसा थप्पड़ मारा कि उसकी आंख की रोशनी ही चली गई। मामला मिश्रीपुर गांव के इंडियन अकेडमी स्कूल का है, जहां कक्षा 2 के मासूम दिव्यांश अपना होमवर्क पूर्ण नहीं कर पाया था। इस बात को लेकर शिक्षिका गगनदीप कौर ने मासूम बच्चे को इस तरह पीटा कि बच्चे की आंख की रोशनी ही चली गई। वहीं घटना के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य ने शिक्षिका को स्कूल से निकाल दिया और बच्चे का इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुंदेलखंड में कृषि का नाम आते ही अपने दिमाग में सूखा और पानी की किल्लत जैसी तमाम समस्याएं दौड़ने लगती है, लेकिन भारत सरकार ने यहां के किसानों का दर्द समझते हुए उन्हें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जोड़ने का काम किया है। जिन स्थानों में बेहद कम पानी है वहां सरकार ने किसानों को स्प्रिंकलर सेट देकर सिंचाई समस्या को आसान कर दिया। अब किसानों को ठंड और चिलचिलाती धूप में खेतों में पानी लगाने के लिए घंटों नहीं उतरना पड़ता, वे स्प्रिंकलर सेट के माध्यम से आसानी से अपने खेतों से पानी लगा रहे हैं। सरकार की इस योजना का लाभ पाकर किसान बेहद खुश हैं। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र से एक कॉलेज प्रशासन की शर्मनाक घटना सामने आई है। मामला गोवर्धन के बाबूलाल महाविद्यालय का है। यहां बीएमए पढ़ रही एक छात्रा के साथ कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर भारत उपाध्याय और गार्ड विष्णु पहलवान ने पेपर पास कराने के एवज में शारीरिक संबंध बनाने की बात रखी। साथ ही कॉलेज के कमरे में छात्रा को बंद कर दुराचार करने का भी प्रयास किया। वहीं इस मामले को लेकर गोवर्धन थाने में मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
बारे में पूर्व में दरखास्त लड़की की मिली थी, इस पर मामला डीआई साहब को और कुल सचिव साहब को भी जांच हेतु संदर्भित किया गया है। चूँकि महाविद्यालय का मामला है तो उनकी विभागीय जांच भी होगी और विभागीय जांच तो कराई जा रही है। इसी बीच में ये भी प्रकाश में आया है कि लड़की ने अभियोग पंजीकृत करा दिया है, इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यूपी के गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में पब्लिक की समस्या के निपटारे को लेकर चलने वाली डायल 100-2144 पर तैनात सिपाही और एक दरोगा का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों सिपाही और दरोगा मिर्जापुर के एक व्यक्ति से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पीड़ित से चेकिंग के दौरान पुलिस को सट्टे की एक पर्ची मिली थी, जिसके लिए पुलिस वाले पीड़ित से 5,000 रुपए रिश्वत मांगने लगे। नंबर है नाम का फीले कभी कुछ शिकायत सुन ले तू आज तक भी नहीं तो तेरे मैंने हमें मैंने तेरे मतलब एक मतलब एक एक फोटो कुछ भी ना एक फोटो है कोई बात ना काटो ये बात क्या भैया भैया ये क्या बात हुई जब मैं तुम्हारी भूल पे आ गया। हरदोई के बीजेपी सांसद के द्वारा गोद लिए गए गांव बदहाल खस्ता हाल है। मामला सांसद अंशुल वर्मा के द्वारा गोद लिए गए गांव मुंडेर का है। ये गांव आज भी विकास के लिए तरस रहा है और साथ ही अच्छे दिन आने की राह देख रहा है। ग्रामीणों की माने तो विकास के नाम पर सिर्फ कई आश्वासन नेताओं और प्रशासनिक नेताओं की मिलीभगत है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आदर्श सांसद आदर्श ग्राम, उसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि हम लोग ग्रामीण अंचल में ग्रामीणों को जो सरकार की योजना है, चाहे वो केंद्र सरकार की है चाहे प्रदेश सरकार की है, उन योजनाओं की जानकारी दे सकें और उनकी जागरूकता को बढ़ा सकें, जिससे कि ज़्यादा जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं जिनकी अभी तक सहभागिता नहीं थी वो इसमें सहभाग ले सकें, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें और योजनाओं को सफल बना सकें। इससे पूर्ववर्ती सरकारें जो थीं वो इस मानसिकता से ग्रस्त थीं कि ये भारत सरकार की योजना है तो उसमें कहीं ना कहीं विलंब और कहीं ना कहीं अनदेखी होती रहती थी। जब से हमारी सरकार प्रदेश में आई है तो एक समन्वय का माहौल बना है और इधर बीच आप देख रहे होंगे निरंतर अंतराल पर, चाहे वो प्रशासनिक कार्यक्रम हैं चाहे अन्य कार्यक्रम हैं, उनके मार्फत जितने ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनको इन योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया जा रहा है, लाभार्थियों को उनकी जानकारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।